मोतिहारी के वकीलों ने कोरोना विस्फोट के कारण 16 मई तक सभी प्रकार के न्याय के कार्यों को ठप कर दिया है। बार एसोसिएशन में ताला जड़ने के बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। न्यायिक कार्य से जुड़े कई पदाधिकारी और कर्मचारी इसका शिकार हो चुके हैं और ऐसे में लगातार काम करते रहने से खतरा बढ़ने की उम्मीद है। हम लोगों की आम सभा की मीटिंग थी, पहले के मीटिंग के मुताबिक आज तक हम लोग न्यायिक कार्य से अलग थे और वर्चुअल का विरोध करते हुए हम लोगों ने अपना काम स्थगित रखा हुआ था। अभी परिस्थिति को गौर करते हुए कोविड-19 के इस महामारी के चलते फिर आज हम लोगों की मीटिंग हुई और हम लोगों ने 16 तारीख तक अपने वकालतखाना को पूर्व के भांति बंद कर दिया है। न्यायिक कार्य से हम सभी अलग हैं। 17 तारीख से वर्चुअल काम न्यायालय में होगा, जैसा कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन। तब तक वकालतखाना भी बंद रहेगा और कोई अधिवक्ता किसी तरह का कोई काम न्यायिक नहीं करेगा। आज जो है तो बार एसोसिएशन मोतिहारी का आम बैठक हुआ अध्यक्षता के अध्यक्ष के उपस्थिति में। उनके जो बार एसोसिएशन का जो फैसला आया है उसे आपको क्या लगता है? बार एसोसिएशन जो आज के डेट में जो निर्णय हुआ वह प्रासंगिक है, उसको पहले भी होना चाहिए था और आज भी जो हुआ है यह उचित है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दुर्घटना किसी की मृत्यु समान परिस्थिति में नहीं हो।